हेलो, मैं हूं रजत कुमार और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। उससे पहले ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी। ये जो पीपीटी है ये आपको यूजीसी नेट जेआरएफ के बारे में और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस से रिलेटेड होगा और किसी पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस डील किए जाएंगे। ये पर्टिकुलर पीपीटी मेरे फ्रेंड्स के द्वारा और मेरे प्रोफेसर्स के द्वारा मार्गदर्शित है। तो आइए हम देखते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट ऑप्ट करने के पीछे इंटेंशन क्या होती है या वो पर्टिकुलर जो पर्सन है वो क्यों ऑप्ट करना चाहता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उसका एक इंटरेस्ट होता है उसके पीछे, क्या वो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के प्रति डेडिकेटेड है या नहीं, या आज के एरा में सबसे पहले ये देखी जाती है कि क्या करियर अपॉर्चुनिटीज उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पीछे है या नहीं, क्या वो करियर देखता है या नहीं, या फिर वो नॉलेज बेस्ड है, नॉलेज के गेन करने के लिए वो ये पर्टिकुलर कोर्स कर रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि कोई भी हम कोर्स करते हैं या कोई भी हम सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं तो उसका प्रैक्टिकल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन क्या है। ज्योग्राफी का सबसे इम्पॉर्टेंट ये है प्रैक्टिकल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन कि आप उसे रियल लाइफ में आप उसे इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। आप कहीं भी एक स्थान पर जाएंगे तो उसके क्लाइमेट के थ्रू आप उसका वेजिटेशन, उसका सॉइल, उसका कल्चरल फीचर्स आप जान सकते हैं। और वैसे भी ज्योग्राफी जीने का ही सब्जेक्ट है तो उसी के थ्रू हम बहुत कुछ जान सकते हैं। और आपका इसमें उस सब्जेक्ट के थ्रू गोल क्या है ये हम देखते हैं। उसके बाद स्कोप के बारे में बात करते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि ज्योग्राफी का कोई स्कोप नहीं है या फिर ज्योग्राफी पढ़ने और पढ़ाने की सब्जेक्ट है, मुझे ऐसा ही बोला गया था। बट मैं ये बोलूँगा कि जब तक आप एक्सप्लोर नहीं करेंगे, जब तक आप चीज़ों को जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता है। तो जनरली मैं अभी नॉन कन्वेंशनल स्कोप के बारे में बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम कार्टोग्राफी के बारे में बात करते हैं। कार्टोग्राफी स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग मैप्स, इसके कोर्सेज पीजी डिप्लोमा हो सकते हैं, एमए एमएससी है और सर्टिफिकेट कोर्सेज भी हैं। लेकिन जनरली इसे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में एमए एमएससी के अंडर ही पढ़ाया जाता है, लेकिन बहुत सारे वोकेशनल कोर्स के तौर पे सर्टिफिकेट कोर्सेज भी तैयार किए जाते हैं, पीजी डिप्लोमा भी कराए जाते हैं। और ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैपिंग एंड सर्वेइंग में सबसे बेस्ट पढ़ाई होती है। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी आईआईटी बॉम्बे से कोर्स कर सकते हैं इसके, जवाहरलाल नेहरू से, जामिया से और बहुत सारी यूनिवर्सिटी से भी कोर्सेज किए जा सकते हैं कार्टोग्राफी के। और उसके बाद जीआईएस पे हम आते हैं। जीआईएस एक रीसेंट डेवलपमेंट है ज्योग्राफी में, जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग, इसने बहुत बड़ी रेवोल्यूशन क्रिएट की है ज्योग्राफी के फील्ड में। इसके कोर्सेज डिप्लोमा बहुत ज़्यादा फेमस है जीआईएस का, जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग का। इस एमए एमएससी के थ्रू भी इसे कर सकते हैं, जो कि नॉर्मल एमए एमएससी में इसे इंडक्ट कर दिया गया है, आपके कोर्स में ये पढ़ाया जा सकता है। इसके लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, जो कि देहरादून में लोकेटेड है। और इसकी पिक्चर आप देख सकते हैं आप अपने स्क्रीन पे यहाँ पे। इस पे डीयू में भी इसकी अच्छी खासी पढ़ाई होती है, जेएनयू में भी होती है, बीएचयू में भी होती है और जामिया में भी इसकी पढ़ाई की जा सकती है। और इसके कोर्सेज बहुत सारे जगह चलते हैं। तो मैंने पहले भी बोला था, सबसे पहले आप एक्सप्लोर कीजिए, जितना आप एक्सप्लोर करेंगे उतना ही अपने आप के लिए आप ऑप्शन खोल पाएंगे और देख पाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं रिमोट सेंसिंग। मैंने पहले ही बताया कि एक्वायरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द अर्थ सरफेस विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट, हम बिना किसी फिजिकल कॉन्टैक्ट के हम अर्थ सरफेस के बारे में उसका इन्फॉर्मेशन जानते हैं। उस पर्टिकुलर अगर हमें किसी पर्टिकुलर स्थान के इनर एरिया के बारे में या बीनिथ द अर्थ के बारे में जानकारी चाहिए तो रिमोट सेंसिंग उसके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। इसके भी कोर्सेज डिप्लोमा, एमएससी, एमटेक मेनली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग में कराई जाती है, वहाँ डिप्लोमा भी कराई जाती है। जेएनयू, डीयू, बीएचयू ये सब में एमए एमएससी के कोर्सेज उपलब्ध हैं। सिम्बायोसिस एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और बाकी सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। हाँ, बिट्स भी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जिसमें थोड़े से फी हाइक होते हैं, बट ये चल सकता है। अर्बन प्लानिंग, सिटी प्लानिंग, ये एक काफ़ी नॉन कन्वेंशनल सब्जेक्ट है ज्योग्राफी का, जिसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं, जिसमें आप पर्टिकुलर किसी सिटी का प्लान तैयार कर सकते हैं, उसके डेवलपमेंट के बारे में आप आइडियाज़ दे सकते हैं। तो इसमें आप एमए एमएससी कोर्स कर सकते हैं। मास्टर ऑफ प्लान एक नया कोर्स है जो कि जनरली बहुत सारे आईआईटीज में पढ़ाया जाता है और आईआईटी खड़गपुर इसके लिए बेस्ट है। और ये स्पेशियल एनालिसिस के बारे में आपको ये ज्ञान देता है, रिसोर्सेज के बारे में कि कौन सा पर्टिकुलर रिसोर्स किसी पर्टिकुलर स्थान पे कैसा उसका इम्पोर्टेंस पड़ता है, या फिर ट्रांसपोर्ट के बारे में या रूरल एरिया के बारे में। इसके लिए जेएनयू, बीएचयू, डीयू ये अच्छे यूनिवर्सिटीज़ हैं।
टूरिज्म आजकल के दौर पे देखा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का इम्पैक्ट किसी कंट्री पे पड़ रहा है तो वो है टूरिज्म। टूरिज्म और टूरिज्म ज्योग्राफी उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हालांकि इसका अभी कुछ सेपरेट कोई बेस नहीं है, बट ये 1950s के दौरान अमेरिका में और जर्मनी में इसकी थोड़ी सी शुरुआत हुई थी। उस वजह से अभी ये टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट के साथ अभी कंबाइंड किया हुआ है, बट इसका कोई इंडिपेंडेंट अभी सोर्स मिला नहीं है। बट फिर भी इससे आप इसमें आप अपने आप को बहुत कुछ कर सकते हैं। नेचर गाइड बन सकते हैं, रिसर्चर बन सकते हैं, टूर डायरेक्टर बन सकते हैं, ऑपरेटर बन सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप कहीं भी जाओगे तो ज्योग्राफी से रिलेटेड टूर अगर आप ऑप्ट करते हो या फिर आप जाते हो तो उस पर्टिकुलर जगह पे आप जाके देखते हो तो आपको ज्योग्राफी इतना हेल्प करता है, चाहे वो कल्चरल फीचर्स हो या फिर फिजिकल फीचर्स हो। आप पहले से ही प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि वहाँ पे क्या होने वाला है, जो कि नॉर्मल पीपल को नहीं पता चलता है। आगे देखते हैं ब्लॉगिंग। ये एक ऐसा चीज़ है जो आजकल सबको ही करना चाहता है, बट इसमें भी बहुत ज़्यादा दिमाग लगती है और ये ज्योग्राफी वाले इंसान से बेटर कोई नहीं कर सकता है। आप किसी कल्चरल स्पेस में जाइए या किसी घूमने वाली जगह पे जाइए, आपको उस पर्टिकुलर एरिया के बारे में सब कुछ पता होगा क्योंकि आप एक ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं। तो ये रिलीवेंट इरा में बहुत रिलीवेंट है, बहुत ज़्यादा कंटेम्प्रेरी इरा में ये स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी के लिए बहुत ज़्यादा ईजी है क्योंकि उन्हें सारे कल्चरल एंड ह्यूमन कल्चरल एंड फिजिकल फीचर्स पता है, लोकेशन बेस्ड इन्फॉर्मेशन उन्हें आता है और वो क्रिएटिव राइटिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। और अदर्स में बाकी कन्वेंशनल चीज़ें हैं जिसमें जियोमॉर्फोलॉजिस्ट बन सकते हैं आप, क्लाइमेटोलॉजिस्ट बन सकते हैं, डेमोग्राफर बन सकते हैं, रिसर्चर बन सकते हैं, ट्रांसपोर्ट मैनेजर बन सकते हैं, हाइड्रोग्राफर और प्रोफेसरशिप। और एक लास्ट बट नॉट द लिस्ट ये बोल सकते हैं कि यूपीएससी के ऑप्शनल में अभी रिसेंट एक रिपोर्ट जारी हुई थी कि यूपीएससी के ऑप्शनल में ज्योग्राफी लिए जाने वाला सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट है। तो बस इतना ही, ज़्यादा एक्सप्लोर कीजिए, एक्सपेक्ट कम कीजिए। जितना एक्सप्लोर करेंगे आपके पर्सनल आइडेंटिटी और व्यक्तित्व के लिए ये ज़्यादा हेल्पफुल होगा। थैंक यू।